वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बजाज रेक्स 500 मिक्सर ग्राइंडर का डिटेल रिव्यू, जो कि आपको सिर्फ इस समय मार्केट में 2000 रुपए के बजट में देखने मिल जाता है। और ये जो बजाज का मिक्सर ग्राइंडर है, ये अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करने की प्लानिंग कर रहे थे और आपके मन में डाउट था कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी होगी या फिर नहीं, क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या फिर नहीं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इसे पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या आपको ये बजाज का मिक्सर ग्राइंडर बाय करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इसी के साथ ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इस प्रोडक्ट को खुद बाय किया है रिव्यू के लिए। तो आज भी आपको हमेशा की तरह टोटली अनबायस्ड रिव्यू देखने मिलने वाला है इस चैनल पे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आइए चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये है बजाज रेक्स 500 मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स, कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के साथ ये हमें देखने मिल जाता है। मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है, इसलिए यहाँ पर आपको अमेजोन की पैकेजिंग देखने मिल जाती है और कुछ इस प्रकार के पैकेज में ये आता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम बजाज ब्रांड की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस ब्रांड के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। बजाज खुद में ही बहुत पॉपुलर कंपनी है, इंडियन ब्रांड है अलग अलग सेक्टर में, लेकिन स्पेशली अगर बात करी जाए होम अप्लाइंसेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, तो उस केस में बजाज काफी ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। लाइक यहां पर हमने बजाज के कूलर्स देखे हैं, बजाज के फैंस देखे हैं, बजाज के वाटर हीटर्स देखे हैं एंड बजाज के मिक्सर्स भी देखे हैं। बजाज की यहां पर अच्छी बात यह होती है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, लाइफ स्पैन भी यहां पर हमें काफी अच्छी मिल जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विस यहां पर बजाज के केस में काफी अच्छी मिलती है। तो अगर आप ऐसे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो आपको एक श्योरिटी मिलती है कि आपको आगे आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो सपोर्ट करने वाली है। दैट्स वाई मैंने 2000 रुपए के बजट में आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट किया है। यहाँ पर बॉक्स की डिटेल की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 2-in-1 फंक्शन ब्लेड मिलता है, इसको हम बाद में चेक करेंगे, 500 वॉट का यहाँ पर आपको मोटर मिलता है। यहाँ पर जो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं वो अलग अलग पावर के साथ आते हैं, तो ये 500 वॉट का है, 750 का आता है, 1000 वॉट का आता है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर चूज़ करनी है। सपोज़ अगर आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स को ग्राइंड करना है, मिक्स करना है जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उस केस में आपको पावर ज़्यादा लगेगी। लाइक अगर आप नट्स वगैरह यहाँ पर जो है ये करना चाहते हो, लाइक अगर आप कोकोनट वगैरह यहाँ पर ग्राइंड करना चाहते हो, उस केस में आपको 750 की ज़रूरत पड़ेगी। बट नॉर्मल हाउस होल्ड या फिर कुकिंग के लिए ये जो है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको फ्री होम सर्विस मिलेगी अगर आपके प्रोडक्ट जो है वारंटी में और ख़राब होता है तो, एंड बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग यहाँ पर मिल जाती है, बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर जो है वो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, चलिए फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं अलॉन्ग विद कुछ पेपर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे यूज़ करना है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी यहाँ पर आपको मिलती है, तो ये कार्ड आपको संभाल के रखना है। इसे भी हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पर हमें इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ में ये 3 जार्स देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले है ये चटनी जार, इसकी कैपेसिटी 0.3 लीटर्स की है। स्टेनलेस स्टील की बॉडी यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है और यहाँ पर सब स्टेनलेस स्टील के हैं, ऊपर आपको यहाँ पर प्लास्टिक का कैप देखने मिल जाता है। सेकेंड जो जार है ये है ग्राइंडिंग जार और इसकी कैपेसिटी 0.8 लीटर्स की है। और इसके बाद जो है ये जूसर कह सकते हो आप, ये इसमें जूस वगैरह आप बना सकते हो। बेसिकली अगर आप कुछ ऐसा ग्राइंड कर रहे हो जिसमें लिक्विड ज़्यादा है, देन उस केस में ये यूज़फुल होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है 1.3 लीटर्स की है। और यहाँ पर ये जो दोनों ही बड़े वाले जार्स हैं, इनमें आपको एक हैंडल मिल जाता है। एंड अगर हैंडल की क्वालिटी की बात करी जाए तो इसकी क्वालिटी ओके है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा। ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी स्टडी है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो हल्का सा मूव हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लास्टिक थोड़ा सा और हार्ड दिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर हमें इसे कबड्डी थोड़ी नहीं खेलना है, तो ये नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर हमें मिल जाती है। बाकी यहाँ पर इसे हम साइड रख देते हैं, तीनों ही जार्स हैं तो यहाँ पर हम इसे साइड में रख देते हैं और बात करते हैं हमारे मेन यूनिट की, जो कि है बजाज का मिक्सर ग्राइंडर। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपको केबल मिलती है, पावर कॉर्ड मिलती है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है,
तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी किचन में यूज़ करना होता है, पावर जो सॉकेट होता है वो नज़दीक ही होता है, तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है। वैसे ये सारी चीज़ें बताने लायक तो है नहीं, बिकॉज मिक्सर तो कौन सा हमें कैरी करना है। तो फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आपकी ज़्यादा जगह यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाली है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको ये देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3 स्पीड मोड्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको 20,000 RPM देखने मिल जाता है। तो आप यहाँ पर इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड पर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहला है ऑफ, ये जो है फर्स्ट मोड है, ये सेकेंड मोड है और ये थर्ड मोड है। तो ये 3 स्पीड मोड यहाँ पर हमें देखने मिल जाते हैं। बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर यूज़ करी गई है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि यहाँ पर जो पैड्स मिलते हैं, ग्रिपिंग पैड्स मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसे एक बार अगर इसे रख देते हो अच्छे सरफेस पे, उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसे मूव करने के लिए, तो ऐसे में जो गिरने वगैरह का टेंशन होता है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये काफ़ी स्टर्डी है और जो इन्होंने बॉक्स में मेंशन किया था वो काफ़ी सही मेंशन किया था, वो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रीसेट बटन देखने मिल जाता है, तो अगर आप इसे कंटिन्यूस ज़्यादा यूज़ करते हो तो मेक श्योर आप इसे प्रेस करके रिस्टार्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, मिक्सर चलता नहीं है, फिर हम इसे रिपेयर करने लेके जाना पड़ता है, लेकिन आप एक बार इस बटन को प्रेस करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं चटनी बनाने के लिए, धनिया, टमाटर और है पीनट्स। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि आप चटनी कैसे बना सकते हैं। स्वागत है आप सभी का इस कुकिंग चैनल पर, मजाक कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट से यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसकी जो नॉइज़ है वो कितनी आती है, ज़्यादा तो है नहीं, ये भी हम चेक कर लेंगे। तो इसके अलावा थोड़ा सा वाटर, वैसे कुकिंग का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है लेकिन कभी कभार कर लेते हैं। इसका लिड कहाँ गया, तो कर दिया इसको बंद और लगाते हैं हम इसके उसको मिक्सर ग्राइंडर पर और ये हो गया है फिट। पावर मैंने ऑन कर दिया है, चलिए। और हाँ, यहाँ पर जो माइक है वो काफ़ी क्लोज है, तो आपको आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा सुनाई देखने मिल सकती है, तो रेडी फॉर इट। आप अगर ईयरफोन पहन के सुन रहे हैं तो आवाज़ को जो कम कर लीजिए। फर्स्ट मोड पर ऑन करते हैं, तो हमारी चटनी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पिस चुकी है और चटनी जो है हमारी बन चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉइज़ की, तो इसकी नॉइज़ को मैं रेटिंग जो है वो मीडियम देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती है, बहुत कम भी नहीं आती है, बट इतना है कि आपको जो है सरदर्द नहीं होने वाला है। बिकॉज मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है मिक्सर से, जब भी कोई कुछ भी अगर मिक्सर यूज़ करता है, कभी भी यूज़ करता है, मुझे पर्सनली सरदर्द होने लगता है, लेकिन इस केस में शायद से ऐसा नहीं होने वाला है। तो काफ़ी एवरेज नॉइज़ आती है जो कि बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बाकी 3 3 मोड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो ग्राइंडिंग हो जाती है। अब इतना मुझे कुकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने चटनी बहुत बार पीसी है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो ग्राइंडिंग हो जाती है। बाकी यहाँ पर जब भी आप कोई नया मिक्सर लेते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी जलने की स्मेल आती है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें से भी थोड़ी आ रही है, बिल्कुल भी नॉर्मल है, कुछ दिनों बाद यह आपको नहीं स्मेल नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर बात करी जाए कि ये जो मिक्सर है ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है और जिस प्राइस पॉइंट में हमें यानी आपको ये मिक्सर ग्राइंडर मिलने वाला है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो एक सिंपल और शॉर्ट आंसर है जी हाँ, आप यहाँ पर इस बजाज के मिक्सर ग्राइंडर को बाय कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसके अलावा यहाँ पर जो मोटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलती है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इसकी जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ मार्केट में आपको बजाज की तरफ से और बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर्स देखने मिल जाते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांड्स के मिक्सर ग्राइंडर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ बेस्ट सेलेक्टेड मिक्सर ग्राइंडर्स की लिस्ट दे दूंगा और जो आपके बजट में फिट हो, जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, आप उसको बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।